हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं नितिश रंजन बोल रहा हूँ। अभी जी मैंने मैसेज जी किया जी था आपको जी जी सर। मैंने आपका वो कोरा वाला टॉपिक पढ़ा था, GRD के ऊपर। तो मतलब वो आपका नॉलेज मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। तो मैं भी सफर कर रहा हूँ आपके जैसा। मतलब कुछ भी खाओ तो मतलब एसिडिटी हो जाता है, एकदम थ्रोट बर्न करता है, गले तक आ जाता है एसिडिटी। पिछले मतलब एज सात कितनी आठ महीने से सफर कर रहा हूँ। एज है मेरा 23 है? और हाइट 5'5" 5'5" 5'6" होगा। और वजन तो नॉर्मली तो 65-67 रहता है, लेकिन अभी मतलब घट के 52 हो गया ओके। है। तो एंड ये 5-6 महीने से है प्रणाम। ना 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 7-8 महीने से और आपका पानी का इंटेक कितना है? पानी तो मैं पहले तो बहुत ज्यादा पीता था, लेकिन ये होने के बाद भी पहले 2-3 महीने ज्यादा पी रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया। अभी फिर भी जाता है, 8 से 12 ग्लास तो चला जाता है। हाँ मतलब कम करने के बाद भी 8 से 12 ग्लास है। हाँ हाँ पहले तो बहुत ज्यादा पीता था। ठीक है, फिर तो आपको सोल्यूशन मालूम ही है। बस पानी कम करना है और कुछ नहीं करना। और आपको शेड्यूल भेज देता हूँ खाने पीने का, थोड़ा सा रेगुलेट हाँ, करो, 15-20 दिन ठीक हो जाएगा। 15-20 दिन। और मेडिकेशन जो ले रहा हूँ मैं सब बंद कर वो, दीजिए, कुछ नहीं फायदा होगा, नुकसान होगा उससे। लेकिन सर मेडिकेशन जब भी मतलब बंद करता हूँ मैं तो बहुत ज्यादा रिबाउंड आ जाता है, रिबाउंड एसिडिटी। हाँ, तो थोड़े दिन होगा, 2-4 दिन के लिए प्रॉब्लम होगा, ज्यादा नहीं होगा। मोस्ट लाइकली तो हफ्ते, आपका तो जल्दी भी 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, तो हाँ रिबाउंड वगैरह ज्यादा नहीं होगा। हाँ पानी बिल्कुल बंद करके देख लीजिए। यूजली आई हाँ सजेस्ट कि आप खाने के साथ पानी पीते रहें, बट क्योंकि हाँ आप बोल ही रहे हैं कि आपका पानी का इंटेक अभी भी बहुत ज्यादा है, 8-10 ग्लास है, हाँ तो आप पूरा पानी बंद कर दीजिए या सिर्फ खाने के साथ लीजिए थोड़ा सा। हाँ खाने के साथ कितना लूँ सर? जितने कम से कम में आपका कंफर्टेबल फील करें, आधा ग्लास, 1 ग्लास, मैक्सिमम एक आधा ग्लास ग्लास खाने के बाद, मतलब 1 घंटे बाद नहीं लेना ना? नहीं, 1 घंटे क्या, लेना ही नहीं है उसके बाद। हाँ, ठीक है सर। और सर आपने जो टिप्स बताया वो टिप्स मैं मेडिकेशन के साथ फॉलो कर सकता हूँ क्या? सी, इन टिप्स का जो एम होता है वो होता है स्टमक एसिड को बढ़ाना। मेडिसिन्स का एम होता है स्टमक एसिड्स को कम करना, कम करना। हाँ तो दोनों अपोजिट हो जाता है। आप करना हाँ चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, अगर आप ये सोच के करें कि दोनों से करने से आपका तेजी से ठीक होगा, तो वो नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है सर। अगर आप ये सोच के करते हैं कि आपको तकलीफ सहन नहीं होती है, जो आपका एसिड ऊपर आता है वो टॉलरेट नहीं होता है, तो अलग बात है। हाँ अदरवाइज इट टेक्स, मतलब आपके जैसे केस में तो 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में। तो हाँ 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 इट्स अप हाँ टू यू कि आप कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। हाँ हाँ परंतु अगर आपका मान लो हफ्ते के बाद आपको लगता है 50-60% ठीक हो गया, और आप 40% के लिए मेडिसिन लेकर ठीक करना चाहते हो, तो वो नहीं होता, फिर वो और हाँ दोबारा वो प्रॉब्लम चालीस होगा। परसेंट मैं एडजस्ट कर मतलब सहन कर पाऊंगा, लेकिन पहले मतलब सहन करना थोड़ा मतलब वो जो मेडिसिन ले रहा हूँ ना 6-5 महीने से, तो मतलब जब भी बंद करता हूँ तो 2 दिन बाद पूरा मतलब एकदम भयानक ऐसे आ जाता है रिबाउंड के साथ। तो पूरा पानी बंद करके देख लो, हाँ वही करता हूँ सर। उससे आपको रिबाउंड नहीं आएगा बिल्कुल। ओके सर। और प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एज भी ठीक है आपकी। वॉक एंड रेस्ट अच्छे से कर लो। वॉक एंड रेस्ट वॉक मतलब कितना टाइम और कब कब करना चाहिए? घर के अंदर करना है, और एक बारी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना। और 5 मिनट आप के लिए अच्छा तो यही रहेगा कि आप 2 घंटे वॉक एंड रेस्ट करो अभी कंटिन्यूस। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट के आराम करो, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट के आराम करो। हाँ, कंटिन्यू 2 घंटे। कंटिन्यूस हाँ 2 घंटे करो, फिर उसके बाद हर आधे घंटे में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। तो हाँ हाँ इससे हाँ क्या हाँ होगा कि जो आपका रिबाउंड आता है वो शायद नहीं आएगा, और हाँ आपको हाँ यूरिन अच्छा आने लग जाएगा हाँ हाँ और क्लियर भी हो जाएगा। अगर वो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो अच्छा आपके सेल्स में जो ज्यादा फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपको रिबाउंड वगैरह नहीं होगा शायद। आप एक ही दिन में मैनेज कर लोगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और अगर पूरा दिन कर सकें वॉक एंड रेस्ट, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। शायद कर पाऊंगा, करके देखना पड़ेगा। करिए, अगर आप खेलते थे पहले बच्चे स्कूल कॉलेज में। हाँ थोड़ा बहुत खेलता था, बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं था, बट थोड़ा बहुत खेलता था और वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करता था पहले मैं।
हाँ तो आप कर पाओगे फिर, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा पानी छोड़ दो आज, खाना पूरा टाइम से खाओ। और खाने खाना में तीन तीन मील ही लेना है ना। अभी खाना खा लिया सुबह का? अभी खा लिया। खा लिया ना? हाँ खा लिया। कितनी देर पहले खाया? मैंने सुबह 2 मील लिया, पहले एकदम सुबह उठ के 7 बजे एक लिया और अभी 10 बजे एक लिया। ठीक है, इसके बाद में शाम को 6 बजे ले लीजिएगा, उसके अलावा मत लीजिए बीच में कुछ भी। ओके खाना सर। और पानी दोनों बंद कर दीजिए ओके और वॉक एंड रेस्ट करिए, और उसके अलावा जो भी काम करते हैं आप, पढ़ाई का या कुछ भी, उसको बंद कर दीजिए एक दिन के ओके लिए। ओके सर। ठीक ठीक है सर।